नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज हम चर्चा करेंगे राहु काल के विषय में। राहु काल रोज़ाना एवरी डे डेढ़ घंटे के लिए आता है, लेकिन हर दिन राहु काल की टाइमिंग अलग अलग होती है। सोमवार को अलग टाइम में रहता है, मंगलवार को अलग टाइम में रहता है, बुधवार को अलग टाइम में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा राहु काल में आपको क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, किन कामों को करने से बचना चाहिए और रोज़ाना राहु काल की टाइमिंग क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियां बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ाना राहु काल में आपको क्या करने से बचना चाहिए और फिर आपको बताऊंगा नित्य प्रति हर दिन राहु काल की टाइमिंग। दोस्तों, राहु काल में आपको जैसे कोई भी शुभ कार्य है, दुकान का मुहूर्त है, कोई विशेष घर पर हवन पूजन है, जन्मदिन का आपके कार्यक्रम है, लंबी यात्रा की शुरुआत है, इस प्रकार के शुभ कार्यों से राहु काल में बचाव करना चाहिए। नामी राहु काल है तो राहु का प्रभाव उस टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। किसी भी काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो राहु काल में आपको नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा खरीद बेच है, कोई अच्छी चीज़ आपको खरीदनी है या कोई बड़ा सामान आपको बेचना है, उसमें भी आपको राहु काल का ध्यान रखना चाहिए। जो रोज़मर्रा के काम है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसके ऊपर राहु काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विशेष कार्यों में राहु काल का ध्यान रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं राहु काल की टाइमिंग के बारे में। दोस्तों, रविवार के दिन राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहता है। सोमवार को प्रातःकाल 7:30 बजे से 9 बजे तक, मंगलवार को दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, बुधवार को दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, गुरुवार को दिन में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुक्रवार को प्रातःकाल 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शनिवार को प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल की टाइमिंग रहती है। दोस्तों, इस समय में महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करना, लंबी यात्रा की शुरुआत करना, बड़ा लेन देन करना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना अच्छा नहीं माना जाता। कामना करता हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।